बिश्मि रहीम डियर स्टूडेंट्स यू आर वाचिंग एजुकेशनल चैनल के एम सी एच आई एम खालिद महमूद फ्राम के एम सी एच फिजिक्स अकेडमी आर सब्जेक्ट इज फिजिक्स क्लास नाइन्थ वी आर सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर फोर पॉइंट वन जीरो ऑफ यूनिट नंबर फोर विच इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सिसट एस सी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम नंबर फोर पॉइंट वन जीरो ब्लॉक ऑफ मास टेन के जी इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार वन मीटर लॉन्ग एक बार है एक मीटर उसकी लंबाई है और उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ट्वेंटी सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक मास हैंग किया गया है जो कि टेन के जी का है वट फोर्स इज रिक्वायर टू बैलेंस इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम चाहते हैं कि उसको उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस कर दें तो हमसे पूछा गया है कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी बाई अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द फोर्स और वो फोर्स कहाँ पे हमने लगानी है वो हमने उस बार के दूसरे एंड पे लगानी है यानी सेंटर पे हमने उसको बैलेंस करना है और सेंटर से एक तरफ एंड पे हमने फोर्स लगानी है बैलेंस करने के लिए और सेंटर से दूसरी तरफ 20 सेंटीमीटर के फासले पे एक मास हैंग किया गया है जो कि 10 किलोग्राम है हम इसको डायग्राम में शो किया गया है हमें इसको ये डायग्राम आप देख लें कि ये एक बार है ये वाला यूनिफॉर्म बार है और इसकी लेंथ एक मीटर है और ये इसका सेंटर है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पे इसको ये शार्प वेज के ऊपर इसको बैलेंस किया गया है और इस एंड के ऊपर ये फोर्स लगाई गई है जो कि बैलेंस करने के लिए लगाई गई है जो हमने मालूम करनी है और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूसरी तरफ 20 सेंटीमीटर के फासले पे ये एक मास लटकाया गया है जो कि 10 के है इसको हम मास कहेंगे 10 के जी एम लिखेंगे इसको डब्जू की बजाय तो ये मास जो है टेन के जी का यहाँ पे इसको हैंग किया गया है ये डिस्टेंस जो है ए जी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्वेंटी सेंटीमीटर बनता है और ये डिस्टेंस जो है जी बी ये क्योंकि मीटर रॉड या बार जो था वो एक मीटर का था तो ये सेंटर पे बैलेंस किया हुआ है इसको तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट फाइव मीटर इधर होगा और पॉइंट फाइव मीटर ही ये इधर होगा तो ये इसके ऊपर अब ये में है और एकबेरियम है इसके ऊपर दो टॉर्क एक्ट कर रहे हैं एक टॉर्क इस मास की वजह से एक्ट कर रहा है जो कि इस तरफ को यूँ यानी एंटी क्लॉक है और दूसरा टॉर्क यहाँ पे एक्ट करेगा इस फोर्स की वजह से वो इस तरह से एक्ट करेगा यानी क्लाक एक्ट करेगा तो क्योंकि इसने बैलेंस होना है बाहर ने तो इसलिए ये दोनों टॉर्क जो है आपस में बराबर होंगे तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ये हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और हम फोर्स एफ मालूम करेंगे मास ऑफ ब्लॉक एम टेन के जी है वेट ऑफ ब्लॉक डब्ल्यू इजिकल टू एम जी होगा मास टेन के जी है और जी की वैल्यू टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये टेन इंटू टेन हंड्रेड किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन बन जाता है तो वेट हंड्रेड न्यूटन का हैंग किया हुआ हमने डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो ए जी है और वो कितना है ट्वेंटी सेंटीमीटर है इसके हम मीटर बना लेते हैं तो ट्वेंटी को हंड्रेड पे डिवाइड करना पड़ेगा मीटर बन जाएंगे तो ये जीरो पॉइंट टू मीटर बन जाते हैं फोर्स रिक्वायर्ड एफ हमने मालूम करनी है डिस्टेंस ऑफ फोर्स फोर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बीजी है और वो कितना है वो जीरो पॉइंट फाइव मीटर है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ऑफ एकेलेबेरियम क्यूबेम की सेकंड कंडीशन लगाते हैं हम वो क्या होती है क्लाक वाइज स्टॉक्स इज इक्वल टू एंटी क्लाक वाइज स्टॉक्स या सम ऑफ क्लाक वाइज स्टॉक्स इज इक्वल टू सम समी क्लाक वाइज स्टॉक्स क्योंकि इसमें इस सूरतआल में सिर्फ एक एक टॉर्क दोनों तरफ एक्ट कर रहा है तो इसलिए हम क्लाक वाइज स्टॉक इज इक्वल टू एंटी क्लाक वाइज स्टॉक ये भी ठीक होगा इसे क्लाक वाइज स्टॉक क्या है वो है एफ जरब बी जी और एंटी क्लाक वाइज स्टॉक क्या है वो है डब्ल्यू ज़रब ए बी तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो एफ़ हमने मालूम करना है बी जी पॉइंट फाइव मीटर है डब्ल्यू हंड्रेड न्यूटन है और ए बी जो है वो पॉइंट टू मीटर है तो ये जीरो पॉइंट फाइव मीटर इधर मल्टीप्लाई हो रहा दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देगा अब ये मीटर और मीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे ये न्यूटन यूनिट रह जाएगा सिर्फ हमारे पास तो ये हंड्रेड इन टू पॉइंट टू डिडेड बाई पॉइंट फाइव तो ये फोर्टी न्यूटन बन जाता है तो इस तरह से जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसको बैलेंस करने के लिए बार को वो फोर्टी न्यूटन होगी दस फोर्स ऑफ फोर्टी न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द बार तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर लिया ख़ुद भी देखें दोस्तों को भी दावत दें चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोज़ मिलती रहें वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़ याद रहें आबाद रहें